सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम वंदना दुबे का, और जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार प्यार भरा। और मैं अर्चना तिवारी सबसे हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम, और दर्शकों लोग का ही प्यार दुलार आशीर्वाद है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मोरे हमें तो हर चीज़ आता है, नाचना गाना हर चीज़ मतलब आता है। तो नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और इसमें मैं मौजूद हूँ जौनपुर के एक गांव में, जहाँ की दो बहनें हैं और लगातार सोशल मीडिया पे वो जो है धूम मचा रही हैं अपने गीतों को लेकर के। जो पारंपरिक गीत हैं, शादी विवाह वाले जो गीत हैं उनको वो गा रही हैं और मिलियन मिलियन जो है व्यूवर्स उस पर आ रहे हैं। तो हम इस गाँव में हैं और दोनों बहनें हमारे साथ हैं। दोनों बहनों की शादी हो गई, एक लोग दुबे हो गई, एक लोग जो है तिवारी हो गई। तो वंदना दुबे और अर्चना तिवारी जी, मैं सही हूँ नाम को लेके आप लोग के? जी, तो पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम वंदना दुबे का, और जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार प्यार भरा। और क्या बोलूँगी, वंदना जी ने अपनी बात कह दी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अर्चना तिवारी सबसे हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम, और दर्शकों लोग का ही प्यार दुलार आशीर्वाद है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप भी यहाँ पे हो आज, आज आप लोग इंटरव्यू लेने आए हो तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए हो यहाँ पे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और यहाँ आए हो। बिल्कुल, तो ये बताइए गाना गाने का मन में कैसे आया कि गाना गाएँ और अपने यूट्यूब चैनल पर डालें, जो है कैसे ये विचार आया मन? विचार मेरे मन में ऐसे आया लोगों को देख के, मैं भी मोबाइल जब चलाने लगी, पहले तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, अगर मोबाइल होता तो शायद अब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ होते, पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था। और अभी तो जब मैं गुजरात में रहती हूँ, गुजरात में रही तो हमारे पास मोबाइल रहने लगा बड़ी वाली, तो हम सबका ऐसे गाना देखने लगे कि औरतें बैठ के गाना गाती हैं और कुछ लोग नाचती हैं, कुछ मतलब जिसका जैसे टैलेंट है सब अपना अपना दिखा रही थी। तो मेरे मन में भी ऐसा आया कि वो लोग ऐसा कर रही हैं तो हमको भी, हमें तो हर चीज़ आता है, नाचना गाना हर चीज़ मतलब आता है। तो हम सोचे कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो जनता को मतलब मेरे ससुर को में किसी का सर झुके और सम्मान भी बना रहे और हम आगे भी चले जाएं, यही सोच के हमने भी यूट्यूब चैनल चालू किया और अपना गाना चालू किया, क्योंकि हमें भी बहुत गाना आता है। तो हम सोचे कि हम भी क्यों ना जनता को दिखाएं कि हमारे भी अंदर कला है, यही सोच के मैंने अपने मन मतलब चैनल चालू किया। तो यूट्यूब चैनल आपने बनाया, आपको पता था कैसे क्रिएट किया जाता है यूट्यूब चैनल? जानकारी मुझे कुछ नहीं जानकारी थी, पहले तो मुझे कमेंट करने नहीं आता था वीडियो पे, फिर मैंने अपने हस्बैंड से सीखा, भाई से सीखा कैसे कमेंट किया जाता है लोगों के चैनल पे। तो पहले तो मैं कमेंट सीखी करना, तो सबके पे कमेंट करने लगी कि आप मुझे मतलब बताओ कि कैसे चैनल खोला जाता है। सबके चैनल पे मैं कमेंट करती थी कि सिस्टर जैसे कि आप बताओ कि चैनल कैसे खोला जाता है, गाना कैसे बनाया जाता है, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो हम खुद मोबाइल में देख के और अपना गाना चालू किए, ऐसे अपलोड मेरे हस्बैंड को आता था गाना अपलोड करने, तो वही अपलोड करने लगे, मेरे भाई को भी आता है तो वो अपलोड करने लगे, तो गाना बहुत अच्छा चलने लगा, अचानक में बहुत तेज़ी से मेरा गाना वायरल होने लगा। अच्छा, कभी ससुराल वालों ने मना नहीं किया? क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर लोग देखते हैं, महिलाओं को मना करते हैं कि आप वीडियो मत डालिए, और चूंकि आप एक ब्राह्मण परिवार से, क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि ससुराल के लोगों ने मना किया हो कि यूट्यूब चैनल मत बनाओ, गाना मत डालो? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, और जब उनका सपोर्ट है तो आप समझ ही सकते हो कि कोई रोक नहीं सकता है। तो उसके बाद मेरे ससुर को भी मैंने बोला, बाद में बनाने के वीडियो बनाने से बात पूछी तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के गाना गा रही हो, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बिल्कुल, आपने बनाया, और कितना समय लगा आपका चैनल मोनेटाइज होने में? मेरा तो चैनल एक महीने में मोनो हो गया, वो तो मेरे लापरवाही से, अगर मुझे पता होता, जैसे मैं ख्याल नहीं करती थी, मुझे ऐसा लगा कि लोगों को 6 महीने साल भर लगते हैं तो हमारा थोड़ी नहीं इतना जल्दी हो जाएगा, मेरे मन में ये चल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भाग रहा है चैनल, सब्सक्राइब भी पूरा हो गया, वॉच टाइम भी पूरा हो गया, मेरे मन में ऐसा नहीं था। तो मैं तो बाद में देखी कि ये तो मेरा मतलब मेरे भाई ने देखा कि ये तो तुम्हारा वॉच टाइम भी पूरा हो गया, सब्सक्राइब भी, 1 महीने में मेरा मोनो हो गया।
एक महीने में आपका हो गया, आपका कितने दिन में हुआ? हमारा 15 दिन में हुआ। 15 दिन में, मतलब छोटी बहन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बड़ी बहन का एक महीना, आपका 15 दिन में। लेकिन मेरा चैनल दीदी चालू की, मैं मना कर रही थी लेकिन ये बोली नहीं तुम्हारा भी एक चालू कर देती हूँ। यही चालू की, यही वीडियो भी डाल रही थी मैं गांव थी जब दीदी चैनल चालू की। मुझे मुंबई पहुँचते पहुँचते मोनो हो गया। अच्छा, आप मतलब मुंबई में रहती हैं? हाँ। अच्छा, आप मुंबई, ये गुजरात, तो कैसे आप लोग वीडियो बनाती हैं? जब हम लोग साथ में रहते हैं तो वीडियो बना के रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। हाँ, उसके बाद एक एक करके डालते हैं। अकेले होती हैं उसमें क्या करती हैं? तब अकेले दो एक वीडियो ऐसे अकेले भी पड़ता है। तो हम चाहेंगे कोई एक बढ़िया गीत जो आपका हो, पूरा नहीं बस थोड़ा थोड़ा जो है, जो आपका फेवरेट हो, पहले उसको सुनाइए। फेवरेट तो मेरा सब गाना और जितना भी मैंने गाना गाया है सब वायरल हुआ है, लेकिन एक महंगाई वाला आपका वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, जरा सा उसको हम चाहेंगे आप थोड़ा सा। बहुत तेजी से मेरा महंगाई वाला वायरल हुआ था। आई महंगाई के जमाना बलम तनी जम के कमाना, आई महंगाई के जमाना बलम तनी जम के कमाना, सास तना मरी है ससुर तना मरी है, ताना मरी है नैहर में नाही ठेकाना, बलम तनी जम के कमाना, नैहर में नाही ठेकाना, बलम तनी जम के कमाना। क्या बात है, तो ये गीत आपने ही लिखा था कि किसी का लिखा हुआ था उसे आपने गाया था? देखो ये लोक गीत है, हमें मतलब जो गाते हैं वही मैं गाती हूँ, कोई गाना मैं लिखती नहीं हूँ। तो गाना आप लिखती नहीं है? आता है मुझे, गाना भी बनाना आता है, लेकिन जो गांव की औरतें लेडीज़ गाती हैं तो मैं बचपन से ही, अगर कोई एक बार गाना गा दिया तो मैं याद कर लेती हूँ तो हमें सब गाना याद होता रहता है। ऐसा भी कोई गीत है जो आपने लिखा हो, जो आपको याद हो, जो बढ़िया हो, जरा सा उसे भी? लिखा हुआ गीत है, माई मोरी माई मोरी दुख से उबार दा, माई मोरी माई मोरी दुख से उबार दा, दुख से उबार द मैया खुशियाँ अपार दा, दुख से उबार द मैया खुशियाँ अपार दा, अमर कई दमागी कैसे नुरवा है मैया तोरी महिमा अपार बा, अमर कई दमागी कैसे नुरवा है मैया तोरी महिमा अपार बा, तोहरे कृपा से मैया दुनिया जहान बा, तोहरे कृपा से मैया दुनिया जहान बा, अमर कई दमय के बिरनवा है मैया तोहरी महिमा अपार बा, अमर कई दमय के बिरनवा है मैया तोहरी महिमा अपार बा। क्या बात है, ये गीत आप लोगों ने खुद लिखा हुआ है। अच्छा, आपका YouTube मोनेटाइज हो गया, अब तक आपका भी हो गया, आपका भी हो गया, और कितने YouTube आप लोगों ने मोनेटाइज कर लिए अपने गीतों के माध्यम से, अपनी मेहनत? तीन मेरा चैनल है। तीन चैनल, क्या किस किस नाम से है जरा उसको? एक वंदना दुबे के नाम से, एक अर्चना तिवारी के नाम से, एक माँ शिवदेवी फिल्म के नाम से है। माँ शिवदेवी फिल्म के नाम से, मम्मी का नाम है। अच्छा, मम्मी भी आपकी गाती हैं? मम्मी का नाम है, भाई चलाता है चैनल। अच्छा, भाई चलाते हैं, नहीं मम्मी भी आपकी गाती ही होंगे अगर आप लोग गाती, गाती हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मम्मी का गीत पड़ा हुआ, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, आपकी मम्मी भी गाती हैं, तो देखिए माँ भी गाती हैं, बेटियाँ भी गा रही हैं, और तीन चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुके हैं। अच्छा, अभी तक तीनों चैनल मोनेटाइज हो गए, पैसे भी आ रहे होंगे, तो कुछ पैसों से क्या कुछ काम किया आपने शुरुआत में, पहली कमाई आई तो कैसा लगा, क्या किया आप? तो मैं आज आपको बताऊं, और आपके चैनल के जितने भी देख रहे हैं, मैं सबसे आज ये बात बताऊंगी कि पहला कमाई मैंने अपने मंदिर में लगाया है। मेरा मंदिर 22 साल से बना हुआ था तो टूटा हुआ था, तो मेरा पहले से सपना था कि हमें भगवान पैसा दें, हमारे पास पैसा हो तो पहले मैं मंदिर अपना सही करवाऊंगी, क्योंकि मेरा घर भी बहुत पुराना का घर है, पहले का घर है। तो मेरा मंदिर टूट गया था, तो हम सोचे कि अगर हमारे पास पैसा होगा, चैनल खोलने से पहले मेरे मन में चल रहा था,
तो देवी माँ की कृपा से मेरे अचानक में मूड में आया तो मैंने चैनल भी चालू किया और एक ही महीने में मेरा इनकम भी होने लगा और उन्हीं की कृपा से और पैसा से मैंने मंदिर अपना आप देख जी जी आप दिखा सकते हैं। जरा सा वो मंदिर दिखाएं और ये मंदिर आप देखिए, इसका भी पेंटिंग का काम भी चल रहा है। तो ये मंदिर जो है, जो कमाई हुई है उससे जो है इन्होंने इसमें लगाया है मंदिर में, और इनकी इच्छा थी कि जैसे ही चैनल चालू हो जाएगा और भगवान अगर कृपा करेंगे तो मंदिर में दान करेंगे, और इन्होंने मंदिर में जो है पैसे लगाए हैं। आपने क्या सोच के रखा है? हम यही सोचे हैं कि अपने सास ससुर को गया भेजेंगे। क्या बात है, देखिए मतलब इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी विचार, गया कराना है सास ससुर को। और YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लगता है ना आप लोग को YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? मेहनत बहुत नहीं करनी होती, बहुत 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 अच्छा है, और जनता उसे अच्छा मतलब मेहनत भी कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। और YouTube वाले को भी मेरा धन्यवाद सादर प्रणाम है कि मुझे उस लायक समझे। कोई कोई कहता है इनका गाना क्यों वायरल हो जाता है, ऐसे गाती हैं, मतलब हम लोग इतना बनावटी मतलब करके गाते हैं। बहुत लोग फ़ोन करके भी पूछती हैं कि आप कैसे वीडियो अपलोड करती हो, कैसे एडिट करती हो। मैंने उनको बताया, सिस्टर मैं एडिट नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं ऐसा सीधा अपलोड करती हूँ जो भी गाना गाती हूँ। मुझे एडिट करने आता ही नहीं है, सीधी बात से मतलब आप लोग सिर्फ गाती हैं उसको अपलोड सीधा, जैसे ही हंसी हूँ क्या की हूँ, मेरे मुझे उसको स्किप भी करने नहीं आता, हटाने भी नहीं आता है मुझे। उसमें जैसे हंस दी ना हाँ। तो लोग हटा देते हैं, मुझे हटाने हाँ, भी नहीं, कट भी नहीं कर पाते, कट नहीं कर पाते हैं, सीधा अपलोड कर देते हैं, कितना भी हंसे रहते हैं उसी में चला जाता है। क्या बात है, तुम चाहेंगे कोई और गीत जो हो दो लाइन उसको भी जरा सुनाइएगा, शादी विवाह वाला सुना दीजिए, क्योंकि शादी विवाह में जो है महिलाएं जो गाती हैं, चाहे लावा परसने के समय हो जाता है, चाहे मंडप का जो भी गीत हो उसको जरा। मोरे पीछावारावाले बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप अपनी छोटी बहन के लिए क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से ये भी परफॉर्मेंस कर रही हैं, अपना चैनल चला रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कैसे ही हम तो यही सोचते हैं कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी बहन को साथ में ही लेके रहेंगे जितना भी। आप क्या कहेंगे अपनी बड़ी बहन के लिए? हमारी दीदी सब कुछ कर रही हैं, मैं क्या बोलूँ, सब कुछ उन्हीं का है मानो तो। देखिए ये दोनों बहनें हैं अर्चना और वंदना, ये लोग लगातार जो है अपने गीतों से धूम मचाई हुई हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं इनके गीतों को, जो है मिलियन मिलियन जो है व्यूवर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा इनका चैनल चल रहा है।